कुछ रागी वीरां दी एक वीडियो वायरल होई, तुसीं वेखी होनी है, तेरी मुरली ते कौन कौन नहीं नचदा इदां। ओ दीवान दे विच उहनां पूरे साज रखे, पूरा जथा बैठा होया, तरस आउंदा सानूं अपने रागी वीरां दे उत्ते। पाणी च अवतारवाद दा खंडन है, मंडन नहीं है। सवाल यह पैदा होंदा, कहिंदे जी जन्म अष्टमी सी इस करके असीं शब्द पढ़ता, तुसीं खुश किहनूं करना चाहुंदे हो? साड़ी कौम का नुकसान कितने होया? जदों किसी बाबे दे डेरे गए, उत्थे शब्द कढ़ के सुनाता, ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता। भी दसो जे मरिया ही नहीं तो बरसी कहदी मना रहे हो तुसीं? साडा समाज अज की कर रहा है? भगवान के जन्मदिन मना रहे है। तुसीं बोर्ड बड़े बड़े पढ़ते हो गए अपने समाज में, की कहिंदे ने? नाले कहिणगे भगवान है, नाले कहिणगे भगवान दा, बोलो सारे जी। अच्छा, भगवान का जन्मदिन, जे भगवान का जन्मदिन होएगा फिर मरण दिन भी होएगा, क्योंकि जरा क्योंकि जोड़ा जमया वो तो दुनिया तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जो उपजो तुम तुक बोली जाओ ता कि भुलेखा दूर हो जाए, मैं कोलों नहीं करे, जो उपजो जोड़ा उपजा उन्हें बिनसना भी है, पर अज नहीं तो कल। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सकल जंजाल। गुरबाणी विच हर पक्ष तो हर पहलू तो सानू ज्ञान दिता। हुण हजूर इत्थे गल समझा की रहे ने, ध्यान नाल सुनियो। आज थोड़े दिन पहला अष्टमी, जन्म अष्टमी लंघ के गई है। हुण ये 1136 नंबर अंक ते शब्द है। तुहानू पता है भी जदों भादों की पूर्णमासी तो 8वां दिन हुंदा, उहनू ये समाज विच कहा जांदा भी उस दिन भगवान कृष्ण का जन्म होया सी। ये समाज में यह गल प्रचलित है। तुसी किसी मंदिर के पंडित को जाके पुछो भी तुहानू इहो गल कहेगा। निंदिया पता की हुंदी है? जिहड़ी कोलों गल बना के किसी नूं तुसी बदनाम करना, वह की हुंदी भला? निंदिया समझ लो की है। निंदिया उहनू कहिंदे ने जिहड़ी तुसी अगला नहीं मानता पर तुसी कोलों गल बना के अगले नूं कह रहे जे, पर जिहड़ा अगला जिन्नी गल मानता जी उन्नी तुसी भी कह दिओ, यह निंदिया तो ना होई? क्यों साह संगत जी, बोलो भाई, हाजरी लवाओ जी। निंदिया की आ? जिनी अगला गल मानता उन्नी तुसी कहती, फिर निंदिया नहीं। हाँ, अगला नहीं मानता, अगले की मनाओत यह है नहीं, पर तुसी धक्के नाल अगले नूं बदनाम करते पे हो, यह निंदिया। अगला फिर तुहाडे ते कोई कार्रवाई कर सकता भी तुसी सानूं बदनाम कर दे हो। हुण समाज में गुरु पंजवें पातशाह, हुण गुरु अर्जन साहब महाराज का किसी ने वैर सी भला, विरोध सी? इन्ना समाज से भला करन वाले, परोपकार करन वाले ततियां तवियां ते बहना पिया, देगा जो बाले खाने पे, शीश ते तत्ता रेता पिया, की सी? सच दसना चाहते सी। अज बंदा समाज से अपनी खलड़ी बचा रहा, माफ करना उन्होंने बाणी उच्चारण की, साढ़े को बाणी पढ़ी भी नहीं जा रही उन्हों की, उन्होंने तो एडा वड्डा सच उचारण कर दिता, साढ़े तो बहुते रागी ढाडियां प्रचारकों को इन्हों शब्दों की सही व्याख्या भी नहीं हो रही। क्यों? डर आता है भी कि दो बंदे साडा विरोध ना कर दे। मैनू एक दस्यो जवाब, जे अपने परिवार में कोई बच्चा गलत रस्ते पवे तो पुत कवे जे मैं बच्चे रोकया तो मूँह वट लो, घर चल सकता जी? सही बोल के दस्यो भला। मन लो पुत नूं तुहानूं लगे भी ये गलत स्टैप चक्कण लगे है, जां कोई घर च कोई गलती होण लगी है, तुसीं उत्थे चुप कर जाओगे कि टोकण की कोशिश करोगे, माड़ा मोड़ रोकण की कोशिश करोगे? बोल के दस्सो जी। कई वारी साडी चुप भी परिवार नूं तबाही दे कंडे ते लै जांदी, उत्थे मौके ते तरीका चाहीदा तुहानूं अगले नाल गल करन दा, तरीके नाल तुसीं गल समझा दिओ, भावें नूं है, भावें पुत है, भावें धी है, भावें जवाई है। कई वारी जवाई बिल्कुल सही हुंदा है, सानूं पता हुंदा साडी धी दे कोलों इत्थे गलती होई है, साडी धी इत्थे सही नहीं हैगी, क्योंकि मां गाड़ी भी बोल पैंदी हुंदी सी, पर सियाणे बाप फिर उत्थे धी नूं समझाउंदे आ, जवाई नूं कहिंदे सानूं कोई गल नहीं, पता है साडी धी कोलों ये शब्द गलत बोलिया गया, ते जे उत्थे फिर भी जवाई नूं गलत कही जाण, ऐसे मापे अपनी धी दा कदी भी घर सुखी ना वसा नहीं सकते। उत्थे तुहानूं गलत नूं गलत ते सही नूं उच्ची बोलो जी सही कहना पैणा, तां ही साडा समाज वधिया बण सकदा है। जे तुसीं अपने नूं गलत नूं भी सही गए ते अगले दे सही नूं भी गलत कही गए, फिर समाज विच तुहाडी कोई इज्जत नहीं रहनी, समाज विच तुसीं वधिया थां प्राप्त नहीं कर सकदे। हुण हजूर धन गुरु अर्जन साहिब महाराज कहिंदे ने, सगली थीत पास डार राखी। हे भाई, तू सारियां थित्तां ते पासे कर दित्तियां,
ते अष्टम थीत अष्टम दे अष्टम दा अर्थ है अठ जिहड़ी भादों की पूर्णमासी है वह तो ठीक अठवां दिन उन्हूं वह कहिंदे जी अष्टमी उदन भगवान इंसान के रूप के विच कृष्ण भगवान दुनिया से जन्म लैके आउंदा है वह कहिंदे ते गुरु अर्जन साहब की कहिंदे ने भला कहिंदे सगली थीत पास दा राखी अष्टम थीत गोबिंद जन्मासी ते अठवीं थीत नूं तुसीं अष्टमी नूं कहता जी गोबिंद दुनिया ते आया है सगली थीत पास दा राखी अष्टम थीत गोबिंद जन्मासी भरम भूले नर करत कचरैन जन्म मरण ते रहत नरैन ओ भरम विच भुलिया होया मनुखा जे तो तू भगवान कहना है तो फिर उहदा जन्म ना कह क्योंकि जिहड़ा भगवान हुंदा उहदा जन्म कदी ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਕੀ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਪਰ ਸਾਂਝ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ 84 ਜੀ ਜੂਨ ਮੈਂ ਭਰਮਤ ਨੰਦ ਬਹੁਤ ਥਾਕੋ ਰੇ ਨੰਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੰਦ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਖ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤਪ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ 84 ਜੀ ਜੂਨ ਮੈਂ ਭਰਮਤ ਨੰਦ ਬਹੁਤ ਥਾਕੋ ਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਭੜਕਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਭਗਤ ਹੇਤ ਅਵਤਾਰ ਲਿਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਹੇਤ ਅਵਤਾਰ ਲਿਓ ਹੈ ਭਾਗ ਬਡੋ ਬਪੁਰਾ ਕੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਭਾਗ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾ ਕੋਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਨੰਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੌਣ ਭੇਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨਾ ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾ ਕੋਰੇ ਧਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਧਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਦਸੂੰ ਦਿਸ ਨਾਹੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ ਤਬ ਇਹ ਨੰਦਨ ਕਹਾ ਥੋਰੇ ਉਦੋਂ ਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾ ਕੋ ਰੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾ ਕੋ ਰੇ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾ ਕਾ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੋ ਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਛਜਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਿਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਪੜ੍ਹੋ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਥਰ ਕੀ ਜੈ ਭਾਓ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ
दूजे पाथर धरिए पाओ। कहिंदे एक पत्थर उत्ते तुसी पैर रखी जांदे हो, दूजे पत्थर दे गड़ी मत्था टेकी जांदे हो, जे ओ देओ तां ए पी देवा। जे ओ भगवान है तां जिहड़ा घर चलवाया ओह रब क्यों नहीं हैगा? फिर जिहदे उत्ते पोचे लाउंदे हो, आ जदों आपां रोड बनाउंदे आ थल्ले की पाया जांदा भला? उच्ची बोलो की आंदे? अजे पत्थर नहीं पिया थल्ले, थोड़ा जिहा पत्थर उहदे उत्तों दी गड्डियां लंघाउंदे हो, उहदे उत्तों दी पशु लंघाउंदे हो। ते जे कोई सवाल कर देवे भी उह किद्दां रब ते इह किद्दां रब, नहीं हैगा ते वी उसे पत्थर दा हिस्सा ही है। फर्क इन्ना, उहनूं किसे बंदे ने हाथ लाता, इहनूं अजे किसे ने हाथ। पाखान गड़ कै मूरत कीनी, दे के छाती पाओ, जे ए मूरत साची है तो गढ़ नहारे खाओ। आ चार दिन पहला ना कुछ रागी वीरां दी एक वीडियो वायरल हुई, तुसी वेखी होनी है, तेरी मुरली ते कौन कौन नहीं नचदा, इदा वो नच गा रहे सी ना किसी दुवान दे विच, उन्हां पूरे साज रखे, पूरा जथा बैठा होया। तरस आउंदा सानू अपने रागी वीरां दे उत्ते, जिथे तुसी इन्ना रियाज करदे हो, गाउंदे हो, थोड़े बहुते बाणी दे अर्थ भी पढ़ लो। बाणी च अवतारवाद दा खंडन है, मंडन नहीं है। सत्कारयोग भगत प्रोफेसर साहिब सिंह ने जो बाणी दे अर्थ किए ना, हिंदू परिवार चो आए सी प्रोफेसर साहिब सिंह, हिंदू परिवार चो। पर साडी कौम दा दुखांत पता की है? असीं महंगे महंगे रुमाले चढ़ाए ने, पालकियां बनाईयां ने, पर गुरबाणी पढ़ के उच्ची बोल के दसो, ताईं उह समस्या खड़ी हो गई। असीं सिर्फ बाहरों कोई गावै रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर भीजै राम राज। जिन्ना अंतर कपट विकार है तिन्ना रोए क्या कीजै। सवाल यह पैदा होंदा, कहिंदे जी जन्म अष्टमी सी इस करके असीं शब्द पढ़ता, तुसीं खुश किहनूं करना चाहुंदे हो? साड़ी कौम का नुकसान कित्थे होया? जदों किसे बाबे दे डेरे गए, उत्थे शब्द कढ़ के सुनाता, ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता। भी दसो जे मरिया ही नहीं तो बरसी कि मना रहे हो तुसीं? वो एको ही ब्रह्म ज्ञानी अकाल पुरख है जिहड़ा जम्मण मरण तो, जिहदे बारे बाणी च लिखिया ब्रह्म ज्ञानी आप परमेशर। ब्रह्म ज्ञानी क्या भोजन ज्ञान सैल अपने ऑफ कर लो जी, मेरी बेनती सैलन मोड से कर लो, बिरती उखड़ती है। ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता। दसो भला सारी सृष्टि किसे मनुख ने बनाई है कि परमेशर ने? बोल के दस्यो जी, उच्ची बोलो भाई, हाजरी लवाओ जी। बंदे ने बनाई कि परमेशर ने? तो फिर इत्थे की कहिंदे गुरु पंजवें पासा? ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है। हुण सारी सृष्टि किहने बनाई है? ब्रह्म ज्ञानी रब ने। इत्थे एक डेरा बनाउण वाला ब्रह्म ज्ञानी बनाता सी, ते साडे ब्रह्म ज्ञानी भी किदां दे? मालवे वालां दा अपना, दुआबे वालां दा अपना, अगे हुण बोल दिओ माझे वालों का। अच्छा, माझे वाले के ब्रह्म ज्ञानी नूं दुआबे वाले नहीं जानते, दुआबे वाले के ब्रह्म ज्ञानी नूं मालवे वाले नहीं जानते, पर जिहड़ा परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी है उन्हूं सारी कायनात जानती है। जिहड़े मर्जी रूप च जानता होवे, कोई अल्लाह के नाम ना जानता होवे, कोई वाहगुरु के नाम ना जानता होवे, कोई रहीम के नाम ना जानता होवे, जानते जिथे मर्जी कोई कितें भी बैठा होवे। पर अज प्रॉब्लम इत्थे है कि असी आप गुरबाणी हुण रागी वीर उत्थे गा रहे आ। चलो अज उन्होंने एक स्पष्टीकरण भी दिता है, उन्होंने दलीलां दित्तियां जी, फलाने बाबा जी भी पढ़ते होंगे, फलाने भी धारणा पढ़ते होंगे। अकाल तख्त वालों प्रवान सिख रहत मर्यादा दे विच बकायदा लिखिया संगत विच गुरबाणी का ही कीर्तन हो सकता। आप ऐसा पढ़ रहे थे ना, उन्हें कीर्तन गुरबाणी का जे धारणा भी लाउणी है तो शब्दां दी लाओ। हाँ, संगत रूप विच, संगत विच व्याख्या रूप च भाई गुरदास जी दे कबित पौड़ियां गाइया जा सकदियां। कोई उत्थों दो तुकां लै के कोई चिमटे आ थोड़ा जिहा हुण फर्क पै गया, अगे तो इदां ही कच्चे गीत ही गा छड़ने बाबिआं ने। बाबा तेरी गड्डी आउंदी है मेरा, कई इदां दे भी गाने गाउंदे रहे, बाबा तूं चला गया मेरा मगरों जी नहीं लगता, जे जी नहीं लगता तूं भी चला जा भरावा। जोटियां दे नाल इहदा कीर्तन कर छड़ना भी बाबा जे तूं चला गया मैं भी नहीं रहना, भी जे तेरे बाबे दे बिना दुनिया चली जाती है भरा तेरे बिना भी चली जानी है। ये कोई गुरबाणी थोड़ा है? अज असी